जाओ बाले उपदेशक ना बनो क्यों जो तुसी जानते हो जो सानू वधीक सजा की होएगी पहला ही टप्पा क्यों भैन हरिंद्रा मजा आ गया ना की क्या मैं अज दसना चाहना कि जिन्हू माड़ा जा मैक फटना भरावा आ जाता ना की करा मैं पास्टर अंकर जी ने बोलिया जी आंदा चर्च में जो तो कहूँ मैं हैलो बस बोलना हैलो है बोलना आ जाता ना बल्ले बल्ले हूँ मेरे नाल दा है ही नहीं बल्ले बल्ले सही बोलते सन आंदा जे मैं उत्ते ना गया तो वर्शिप नहीं होनी जे मैं कम नहीं किया तो पास्टर की करेगा पर बाइबल च लिखा एलिये नू प्रभु ने की एलिये ने किया क्या परमेश्वर तेरिया वेदियां टातियां तेरे नबी मर गया मैं कल्ला ही गया प्रभु ने बोलिया ओए 7000 अजे भी लिखा के रखा जिन्हें ब्याल दगे गोटे किया पास्टर जी चले गए वड्डे संत सेवकाई बंद होगी बोलो असी भी चले जाना सेवकाई चल दी गई ये नहीं बंद होनी जिहड़ा स्टैप चुक दिता है करा प्रभु के नाम जे प्रभु ने खड़ा किया इनू कदी भी कोई रोक किया होना प्रभु वालों चाहिए होना अपनी मर्जी ना सेवक बनिया वे जिते प्रभु वालों खड़ा वा तो कोई भी खरा ते गिरा मैं कई बार कहना पास्टर जी टीबी जोशवा की डैथ हो गई फॉरन के पास्टर ने मतलब किधर नजेरिया के पास्टर अंकर के गुरु आ कहते भी जो मैं चर्च शुरू किया मेरे लागे लागे सौ मेरे लागे लागे आते घट तो घट सौ चर्च खुल गया सौ चर्च खोलता लोगों ने सौ चर्च खुल गया जो चर्च खोलिया तो उन्हें सोचा यार इन्ने लोग चर्च खोलिया मेरे लागे लागे खुल गए फिर वेखो जो चर्च खोलिया कोई शराब के डिग गया पास्टर कोई जनानी के चक्कर च डिग गया कोई चोरी च डिग गया कोई लालच च डिग गया वक्रे वक्रे तरह ना सारे फेल हो गए अज भी वह चर्च खड़ा वा उन्होंने खड़ा किने किया समझ आई ताडे इर्द गिर्द जिन्हें मर्जी चर्च खुलन पर जे ताडा मसा प्रभु की ओर तो वा जे पुलाहट ताडी प्रभु की आ तो तुहानू कोई भी खरा ताली मारनी आउंदी कि नहीं चंगी तरह मारा करो वैरी गुड तो जिहड़ी भी भैन प्रभु की ओर तो खड़ी आ जे खुदा उहदे नाल आ तो उन्हें भी डरन की लोड़ नहीं क्योंकि वेखो जिहदे नाल परमेश्वर आ उन्हें कभी भी डरन की लोड़ नहीं वो जादू करता टौना करता जे प्रभु तेरे वाले आ तो कोई जादू टौना नहीं चलेगा जिन्हें लोग सुन रहे हैं आमीन हालेलुया की लिखा आंदा ही मेरे भराओ बाले उपदेशक ना बनो क्यों जो तुसी जानते हो सानू वधीक सजा की होएगी ये किन्हां नूं क्या जिहड़े चमदे कि मेरे नाल दा प्रचारक कोई नहीं आ मेरे नाल दा बुद्धि वाला कोई नहीं आ मेरे नाल दा वर्शिपर कोई नहीं प्रभु कहिंदा तैनूं वधीक सजा की होणी हूं है प्रभु कहिंदा तैनूं तू ज्यादा सिख गया ना हुण तैनूं सजा ज्यादा मिलनी हूं हमेशा ही बाइबल दे विच लिखा जदों हिस्कीएल नूं प्रभु ने पुछया हिस्कीएल ये हड्डियां जिंदियां हो सकदियां हिस्कीएल ने की बोलिया हिस्कीएल कह दिया हाँ हाँ प्रभु हो सकदियां प्रभु ने कहना फिर कर अज मैं बुद्धिमाना की गल कर रहा जेडे ज्यादा ओवर समार्ट पाते हैं कि साढ़े नाल दा सिखाउण वाला कोई नहीं मेरे नाल दा वर्शिपर कोई नहीं तो उन्होंने प्रभु ये गल कह रहा उस तो बाद हिस्कीएल ने की बोलिया आंदा परमेश्वर तू जाने मैनू नहीं पता की बोलिया प्रभु मैं नहीं जानता तू जानता ये हो सकता कि नहीं प्रभु ने कहा हुण इन्हां ते गम वाक कर तो जे पहले कहता प्रभु मैं जानता तो फिर प्रभु ने कहना फिर कर कहता भाव ये अज किन्ने लोग है जिहड़े कहिंदे जिन्हों दो भजन बोलने आ जांदे आंदा बस झूठ के सच आ तुहानू जो मर्जी आंदा होवे तुसीं फिर भी कहना सानू कुछ नहीं आंदा असीं नहीं जानते और सिस्टर उतने तो कह दी असीं इह चर्च नूं छड्डना नहीं आ क्योंकि बिना सोचे बाइबल तो बिना जिहड़े लोग गल करदे उही अड़दे बाइबल हमेशा सानू दया बारे बोलती है हुण वेखो मेरे भैन भराओ इत्थे प्रभु ने साफ साफ लिखता कि हे मेरे भराओ बाले उपदेशक ना बनो कहिंदा मतलब बहुते सिखाउण वाले ना बनो अज सेवक दूसरे नूं सिखाउंदा पर आप चलता ही नहीं फिर उन्हूं प्रभु नहीं पुछेगा कलीसिया ते डर जाएगी घबरा जाएगी चल जाएगी पर सेवक नूं भी तो पुछेगा ना प्रभु किन्ने लोगों ने समझ आ रही है अज का मैसेज यही आ कि तू इहनूं ध्यान दे के सीखना बोले उपदेशक नहीं बना अगे की लिखा आंदा इसलिए जो असी सबो बहुत भुलनहार हाँ की कहता जकूब कहता असी बहुत भुलनहार हाँ साडे को गलती तोरन दे नाल वेखन दे नाल बैठन दे नाल सोचन दे नाल हुंदी कि नहीं की कह रहा आंदा इस सबो की आ
भुलनहार आ। आंदा जो कोई वचन विच ना भुले तो वह सिद्ध पुरश है अते सारी देही नू लगाम दे की है। हालेलुया, की कह रहा? कहंदा जे कोई वचन नू ना भुले तो सिद्ध पुरश आ। सिद्ध फिर की आ गया? अब्राहम दे गया मेरे वचना ते चल जा जा ते सिद्ध हुंदा। ताई उन्हें कहता आंदा जी वो वचना नू जानदा तो सिद्ध पुरश आ। कहंदा मतलब कोनू वचन दा पता? तुहानू पता पाप आ, आ गाल आ, आ झूठ आ, आ नफरत आ, वह तो जानदा। ताई उन्हें कहना आंदा जी वो वचना नू नहीं भुलदा तो सिद्ध पुरश आ, क्योंकि वचन पढ़ते जाओ तो सिद्ध हुंदे। उन्हें भी कहता जी पहले अब्राहम ने बोलिया हुण यकूब बोल रहा। आंदा सिद्ध पुरश आ, सारी देही नू लगाम दे की ए सकता है। कहंदा भाव कि जे तुहाडे अंदर वचन आ तो तुहानू पता मैं किस भरा तो नफरत नहीं करनी। जे तुहाडे वचन अंदर आ तो तुहानू पता अपने गवांढी दे नाल प्यार करना। जे तुहाडे अंदर वचन आ तो तुहानू पता मैं अपने घर वाले की इज्जत की है करनी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ता ही उन्हें कहा ना जो वचन च नहीं भुलिया तो सिद्ध पुरश आ। मतवल यदा मतबल ये आ कि जिहड़ा बंदा बाइबल नू जानदा समझदा तो सिद्ध हुंदा। सिद्ध दा मतलब उन्हूं बुरे ते भले दी समझ लगती की है जाती है। तो कभी भी बुरा बोल अज मान लो तुहाडे भरा तुहाडा भरा तुहाडे नाल लड़दा झगड़दा तुहाडे ते केस कर दे ते तुहानूं पता वा कि जे तुसीं सिद्ध पुरश दे बाइबल द्वारा तो तुसीं उहदे ते कभी भी केस नहीं करोगे कि करोगे? क्योंकि जो रोमिया 12 नू पढ़ते उहदी 19 20 और 21 उत्थे लिखिआ आंदा ही भराओ अपना बदला ना लो पर क्रोध नू। आंदा बदला लैणा ते वट्टा लैणा मेरा की है? आंदा तेरा दुश्मन भुखा तुहानू खवा ते प्यासा तुहानू प्या। कहिंदा जे तू खवाउंदा ते पियाउंदा उहदे सिर ते अग ते ग्यारिआं दा की ला देना। ताली मारो। मैं तां ही कहिंदा पुत भज लो जिते मर्जी ताडे को चर्च जे ते मेरे को बाइबल जे ते चर्च हो जाने जे फेल ते बाइबल नहीं जे होनी। प्रभु ने पहले बोलिया ही, प्रभु ने पहले बोलिया ही कि धरती आकाश टल जाणगे पर मेरी एक भी बिंदी का फर्क की है लिखा ना। फिर इनू समझ लो अपने आप ही। चर्च तां बदलो जे ते सिखाउणा नहीं हुंदा, चर्च तां बदलो जे ते काम नहीं हुंदे। काम ना होने का कारण चर्च नहीं होएगा, काम ना होने का कारण तुहाडे खुद अपने काम होणगे। समझ आई? क्योंकि मेरे भैन भरा प्रभु दे दास यकूब ने बोलता आंदा इसलिए जो असी सारे भुलनहार आ। पहले नंबर से तो भुलनहार आ, उन्हें पहले कहता पवे भुलनहार। अगे के लिए क्या आंदा जे कोई वचन विच ना भुले तो सिद्ध पुरश आ, सारी देही नू लगाम की दे सकता है। हुण ये गल दी समझ लगी सारे नू? समझ लगी कि नहीं भाई? हालेलुया, समझ लगी? अगे की लिखा आंदा जद असी जो असी घोड़िया दी लगामा उन्हां दे मूँह विच दिंदे हाँ कि साडे वस विच रहन तां ओ सारे शरीर नू भी मोड़ लैंदा है, तां उन्हां दे सारे शरीर नू भी मोड़ लैंदे हाँ। की कह रहा यकूब? आंदा जदों घोड़े दे मूँह च लगाम देईदी आ तो जो इधरली साइड नू खिचेगा तो इधरली साइड नू जाएगा, जे इधरली साइड खिचेगा ए वाली तो इधर नू की करेगा, तो जे सीधियां खिचेगा तो एकदम खलो गई आ। समझ आई? आंदा घोड़े दे मूँह च लगाम क्यों देईदी आ? अज तुहाडे मूँह च लगाम की आ? प्रभु दा वचन जदों भजन संहिता 32 उहदी 9 आयत पढ़दे आ उत्थे लिखा तुसीं घोड़े दे खच्चरां वर्गे ना हो। घोड़े खच्चर क्यों गया? आंदा लगाम ते वाग इस करके उन्हें मूँह च रखी दी आ कि तुहाडे वस विच की आ। ताई जदों वसों बाहर हो जाने तो बाइबल नूं ते लगाम वाग साडे मूँह चों की हो जाती है, निकल जाती लड़ाई किच किच टिच टिच फलांटिंग। क्यों? वो तो सीधा पता लगता है शरीरक आ गए हुण परे हो। आत्मिक नहीं लड़ते, शरीरक लड़ते आ। कई बार बाइबल च पढ़िया आंदा तड़े तड़ेबाजियां फुट्टां कित्थों आउंदियां? आंदा लड़ाइयां तुहाडे अंदरों कदों आउंदियां? जदों तुहाडे आंदा तुहाडियां इंद्रियां विच आवे। को की लिखिया आंदा अते लड़ाइयां कित्थों अते झगड़े कित्थों तुहाडे विच आउंदे हन? इत्थों नहीं अर्थात तुहाडे भोग विलासां तों जिहड़े तुहाडियां इंद्रियां विच युद्ध करदे आ। तुसीं लोभ तां करदे हो पर पल्ले कुछ नहीं पैंदा, तुसीं हत्या ते ईरखा करदे हो अते कुछ प्राप्त कर नहीं सकदे। इह वी
सुनो ये भी बुद्धि दे नाल समझोगे तुहानू वेखो प्रभु कित्थे कित्थे सिग्नल देंदा बचन दे पर जिन्हों बाइबल दी समझ उन्हें की बजना की बचे कदे ना बजेगा की कहिंदा आंदा तुसी लोभ करदे हो पल्ले कुछ नहीं पैंदा तुसी हत्या मिच मारदे हो तुसी ईरखा करदे हो अते कुछ प्राप्त नहीं कर सकते आंदा तुसी झगड़ा करदे अते लड़ाइयां करदे हो तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैंदा आंदा इसलिए तुसी मंगदे हो तुसी मंगदे हो पर लभदा नहीं क्यों जो तुसी बद नीति ना मंगदे हो कि अपने भोग बिलासा विच उहनूं की कर दीए उड़ा दीए दसो जी समझ आई परमेश्वर कहता तू हत्या कर ईरखा कर दे तो ताडे पल्ले कुछ भी बरकत जड़ी कर दी उन्हें भी लत मार मार के कर चल तेरी नहीं लोड़ इतने शैतान दे दावी और बंदे कल उधर उधर ही वालो वाली होने तो बड़ा सोहना लगे तो लोग तंदियां कड़ते होने के भी आई हाई विश्वासी वेखो इन्हों अज तू चर्च ना वेखो आ भी चर्च जाता वह भी चर्च जाता जाओ उन्होंने इतने लियाओ एक मिनट च छांड के ता तू कि चर्च जाते हो पास्टर जी कहते होंगे एक बंदा मेरे गाड़ी खड़ा कर दो मैं तुम्हें फ्यूचर दस दांगा तो फ्यूचर की है कल चर्च जाना कुछ नहीं होना अमल करते लोग चर्च जाके चर्च जाना कुछ नहीं होना मेरे जी जो बाइबल नूं समझना उहदे उत्ते चलन दे नाल होना जिहड़ा बंदा गाल नहीं ना जर सकता वह अजे भी मरिया नहीं जिंदा जी सैल्फ डैथ किन्नी बार वचन पढ़िया कि अपने आप में मरना अपने आप च मरन का मतलब हूँ एक मान लो साडे डैडी की डैथ हो गई ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਇਆ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ फिर सैल्फ डैथ का मतलब अपने आप च मरना गालां च मरना चुगली च मरना मसीह का आप ब्लड लेने आप खुदा दी रोटी पाक खाने तो फिर हाडे जीवन की कर रहे ता ही कहना तुम ले हैंड जिन्ना मर्जी कराओ भावें बावं फट फट कराओ तो भावें फटा के कराओ उहदा कोई भी फायदा भावें तेल च डोब के ता कढ लो जे बुरे काम नहीं छड़ेगा तो तेल ही रह जाएगा हुण जिहड़ी खुदा दी बच्ची सी जिन्हों 12 वरे तो रोग सी उन्हें की किया तेल लवाया उन्हें सिर पंगीकार किया ते खुदा दे पले ने छुया तो उस वेले चंगी किया चंगे किता इदा पहले नंबर ते अपनी गलतियां नूं सुधारना जो तुसी बाइबल सुनदे ना पहली गलती पिकते दी टाइम सिर नहीं आउंदे दूसरा नंबर जे तुसी आ भी जांदे तुसी जाणे दे आरे लगे रहिंदे जी हैं जां फुल ओह खांदे रहिंदे जो की पिछे लाई होंदिया ने बेल पूड़िया जो दारे लगे रेंदे जी जा फिर होर कोई इधर उधर शरारत होंगी जो करते रहे जा पिछे गल्लां करी जानी तुहानू इन्ना पता भी समाल साडे लई लाभदायक की आ असीं किराया खर्च के तभी प्रभु के वचन वाल ध्यान नहीं देंदे जिहड़े बंदे ने सुनिया ही नहीं ध्यान ना वह अमल की करेगा किने लोगों ने समझाई हुण इत्थे लिखिया तुसी हत्या ते ईरखा करदे जे ते पल्ले कुछ भी कहन का मतलब जे तुसी लड़ाइया करोगे जे तुसी झगड़े करोगे तो ताडा प्रार्थना का कोई उत्तर कोई बरकत जिहड़ी हैगी वह भी चली वह भी छड्ड के चल जूगी तुहानू क्योंकि ब्लैसिंग उत्थे खलोंदी आ जिथे एकता हुंदी आ इत्थे दो तरह के टॉपिक आ एक तो टॉपिक हैगा वा साडी जीभ का दूसरा टॉपिक हैगा साडी हत्या ते ईरखा करन दा ये काम बिल्कुल नहीं करनी वेखो मेरे भैन भरा आशीषित लोग बनो तो लोग भी ताडे वाले वेखे हुण बाइबल च की लिखा आंदा तुसी जगत दे लून जे है पहले परमेश्वर जिहड़ा ही जगत दा चानण सी हुण कौन चानण आ दसो भी हुण चानण कौन आ प्रभु ते चानण हैगा ही आ उहदे लोग भी की आ उह भी तुसी भी चानण जे कहिंदे वी नेरे च जे क्यों भी जो ध्यान दे के बाइबल नूं समझोगे फिर तुहानूं समझ हुण इत्थे की लिखिया आंदा तुसी जदों घोड़िया दे मूँह च लगामां पाई दियां अज साडी लगाम की है प्रभु का वचन प्रभु की बाणी जदों साडे मूँह च होएगी अं अपने भरा का विरोध नहीं करांगे जे गलती कर भी दित्ती अं फील करांगे आत्मा फील करेगा माफ़ी मंग तू उहदे विरोध बोलिया ये काम नहीं करना अगे की लिखिया आंदा वेखो जहाज भी भावें किड्डे किड्डे वड्डे हन भावें डाढ़ियां हनेरियां नाल उडाए जांदे हन
ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੇ ਪਤਵਾਨ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਾਜੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਲਿਖੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੌੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜੀਭ ਕਿੱਡੀ ਗਿਆ। ਹੈਲੇਲੂਇਆ। ਫੜ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸਾਮਰਤ ਨਾ ਭਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਮਰਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਧੋਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਚਨ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਫਸੀਆਂ 6:12 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਨੌਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆ, ਸੱਸ ਨੌਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆ, ਕਲੀਸੀਆ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ, ਹੈਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਹਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ 13 ਜਦੋਂ 13 ਦੀ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਲਮ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਏ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਹ ਮਾਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਲੂਕਾ 10:16 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਭ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਅੱਗ ਆ ਨਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ
मेरे जीजू बाइबल बार बार कहती अपने पहले दिनों नूं चेते करो साडा कसूर साडे कारण गए जे सट गए लड़ाइया तो ताडे च चलन डी तो ही की क्या ना कुता दी दासी कुछ कहती ना मैं कुछ कहना लड़ाइया तो ही कर डे जे तो तुम साड़ी मेहनत क्यों खराब कर दे जी फिर हूँ इतने कोई मरीज चुक के लिया भावे जिन्ना मर्जी सीरीयस ही वो प्रेयर करनी है जो उन्हें ठीक होना बाद माड़ी जी गल उन्होंने होनी है तो चर्च छड़ के की है क्या कुछ तेन ता ही क्या ना तो बुद्ध हैगी तो ना ही वचन हैगा ये दो चीज़ों की घाट है ये मंगो बस हूँ वेखो वचन की कह रहा अंदर जीव भी एक अंग है जीव भी एक अग है जिहड़ी साडे अंगा विच कुधर्म कुधर्मी च पाप की दुनिया की आ जीव आ जिहड़ी सारी देही नूं दाग लाउंदी है अते भव चक्कर नूं अग की आ ला दिंदी आ ते आप नरक की अग विच बल की है पता लगा जी जीव भी अग जे कईआं नूं की गल का पता लगे ना उन्हां मनेरे कहना दिन चढ़ते तो वधा वधा घर जाके अग की करके आवां गैर भाषा फिर कड़ी हो जो गैर भाषा बोलता जो जीभ नूं अग लाउंदी तो फिर गैर भाषा कौन बोलता पहले नंबर से मेरे भैन भराओ वेखो विश्वासी तो बड़ी दूर की गल आ एक चंगे नागरिक बन जाइए एक चंगे अपने गवांढी लिए आशीष का कारण बन जाइए एक चंगी अपने परिवार वास्ते एक हाउसवाइफ बन जाइए एक चंगी अपने बच्चों लिए माँ ही बन जाइए विश्वासी तो बड़ी वड्डी गल आ चर्च भी जाते एक काम फिर उ जिहड़े नहीं करने जिन्हों चीज़ों का करके आप बपटाइज हो जिन्ह चीज़ों का करके आप बपतिस्मा लिया वो चीज़ा तो आप छड़िया नहीं आ तो फिर साड़ा बपतिस्मा कितने आ क्यों जी जड़िया चीज़ा आप छड़िया नहीं कला डोबा ही ले लिया अमल कितने आ किने लोगों समझ आ रही है अज मेरे भैन भरा वेखो मैं किसी दास के विरोध च नहीं हाँ मैं किसी दास नूं गलत नहीं कहता बस मैंने इन्नी समझ लग गई आ कि बिना बाइबल कोई भी काम जो तुसी किसी भी संत दे कोल जाओगे उन्हें भी कहना बेटा अपने करैक्टर चेंज कर वचन पढ़ बाइबल दे अकॉर्डिंग चल माफ कर प्रभु करने वास्ते की है प्रभु दे विच आण के सिर्फ मन का परिवर्तन करना पैंदा मेरे जीजो आत्मिक परिवर्तन करो वेखो जे तुसी हुण वेखो तुसीं तुहानूं ड्यूटियां दित्तियां गईआं तुसीं अगे लग के काम करदे जे जदों तुहानूं लोग लड़दा वेखणगे तां उहनां दा की नमूना होएगा सी है जदों एक वचन आपां पढ़दे पत्रस की किताब एक वचन आपां उह जगह तों चकदे आं सब खोलो मेरे नाल पत्रस उहदे दो बाब मेरे खोलो दी 13 नंबर आ तिया हालेलुया समझ भी लग रही भैन भरावो असर हो रहा कि नहीं कि सिर तो पानी लंघ रहा ताड़ी कोई भी लड़ाई हो घर च कलीसिया च हाडे ना हाडे करके नहीं हटना कि नहीं चर्च नहीं छड़ना जिहड़ा कोई लड़दा उहनूं बरना बुलाओ फिर ठीक है भरा चर्च थोड़ी छड़ दे अपने गुवे नूं थोड़ी छड़ दे जिहदे द्वारा सानूं वड्डे 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 कथा ने काम कीते हाँ जी दो मैं पढ़ांगा सुनो ध्यान ना इहदी दो दी मैं 12 नंबर आयत पढ़ांगा वेखो हुण इहनूं ध्यान दे के समझना ये खास करके जिहड़े समझदार ने उहनां लई आ सारिआं लई खुदा दा दास पत्रस कहिंदा अधे पराईआं कौमां विच अपनी चाल की करो नेक रखो जिस गल विच उह तुहानूं बुरा जाण के तुहाडे विरुद्ध बोलदे हन उह तुहाडे शुभ कर्मां दे कारण जिहड़े वेखदे हन उस दिन जब उन्हां उत्ते दया दृष्टि होवे वो परमेश्वर की की कारण ताडे प्रभु की वड्याई लड़ाई तो होगी क्यों भैन हरिंदरा दसो खुदा दे दास कहिंदे ने एक बंदा 14 साल तो टेंट लाउंदा वा चर्च का सुनो वो दूसरी साइड ते जाके तंबाकू मल लिया की गल किन्ने लोग उहदे वल वेख के चर्च आउणगे एक बंदा चर्च का वलंटियर आ 14 साल तो टेंट की सेवा कर रहा पर नुक्कर दे विच जाके तंबाकू लाउण डिया जो लोग विश्वासी दूजे उन्हूं वेखणगे तो किन्ने लोग उस बंदे ते यकीन करनगे किन्ने लोग प्रभु ते यकीन करनगे तो किन्ने लोग उन्हां दे पास्टर ते यकीन करनगे बोलो बस फिर प्रभु कहिंदा तुहाडा करैक्टर ही तुहाडे लई भविष्यवाणी आ पहली भविष्यवाणी प्रभु का वचन आ दूजी भविष्यवाणी तुहाडा दास आ और तीजी भविष्यवाणी तुहाडा करैक्टर आ पांच भविष्यवाणियां और दो जड़ियां शैतानी लोग करते हैं ये नहीं होना ये जोर ला ले ये सियाने को आप लांडी
यह रौ गया। हुण वेखो प्रभु ने तुहानू इस वचन के बारे दस्या कि जिहड़े लोग जो तुसीं गैर कौमां दे विच बाहर जांदे जिहड़े मसीह नूं नहीं जानते जो तुसीं लड़ोगे झगड़ोगे इदां दी ईरखा दीआं गल्लां करोगे तो उन्हां दे वचनां दा तो जो उह तुहानू इदां कुकड़ां वांगू लड़दा वेखणगे की गल बच जाणगे। हालेलुया। क्यों बई चर्च जिथे मर्जी भज लो जाओ मैनू पता वा जो बाइबल द्वारा मैनू खुदा ने बुद्धि दे दिती आ मैं एक मिनट च बंदे नूं छांट के रख दांगा कित्थे चलदा है। मैं ताड़ी गल नहीं करता हर एक बंदे मैं भी नाल ही हाँ जे मैं गलत बोलांगा मेरे लिए भी बड़े वचन मैनू भी मिनट च लोकां घेर लैणा पितरा पुत तू कित्थे चलने आ। इस करके असीं डरते रहिए तो काम ही ना करिए जे तो साडे प्रभु की बदनामी होवे साडे चर्च की बदनामी होवे तो साडे चर्च तो लोग ठोकर खा के देवे भेटा भटकदियां फिरन कदी किते कदी किते। कई बार अं खुदा का वचन पढ़िया जो आप हिजकीएल 34 पढ़ते हैं उत्ते की लिखा आंदा इसराइलियां दे अजालियां ते अफसोस है आंदा जिहड़ा अपने आप नूं पालदे आ पर मेरी भेडा नूं चारा नहीं देंदे। पास्टरां दा कड़ा लिया आ जा पास्टर दूजे नूं बोली जाणगे उन्हां नूं भी उन्नियां ठोकदियां पास्टरां ते भी सारा वचन इन्हां ते भी नाल ही आ। इस करके मेरे भैन भरा सब तो पहला वेखो जे मैं वध बोलदा मैं जीभ चो बुरे शब्द बोलदा प्रभु मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। तुसीं जीभ ना कहे वलंटियर नूं माड़ा नहीं कहना यह अज का वचन जे तुसीं समझदार हो गए तो समझदार नूं इशारा की है काफ़ी आ इशारा दिंदा और उन्हें मैं खड़ा करके उसकी धीदी भैन की नहीं करनी क्योंकि जिहड़े सेवक हुंदे उन्हें जिहड़ी डंडा फेरना ना उन्हें बाइबल दे विचों ही फेरना हुंदा शुरू तो ही प्रभु की दास की ताड़ किन्नी बार 41 भजन सहता उसकी 5 नूं आपां पढ़दे आ कि सेवक मैनू मारे वह मेरे उत्ते दया करदा वह मैनू ताड़े तो मेरे सिर ली गए ताड़े सिर च तेल लगन डिया जे जे झिड़क वजदी तो दया जे इहनू दया समझ लिओ है तो जिहड़े ड्यूटी छड्ड के सी मैं जाणा नहीं मैनू फलान कहता ढीं कहता उहदे जाण दे नाल चर्च नहीं बंद होना चर्च चलता ही रहना मैं फिर बार बार कहना चर्च नहीं बंद होना पर ताड़ा अपना सारा कुछ बंद हो जाना जे क्योंकि प्रभु ने कहना ड्यूटी किन्ने छड़ी तेनू किन्ने क्या आई झिड़का खा के भी ड्यूटी ते रहना गालां गालां ते चलो मैं कढ़दा नहीं खुदा मैनू ये मेरे शब्द मूँह चाहते नहीं झिड़क जो वजेगी ऐत कटांगा डांटांगा जो सुधर जाएंगे तो अगली आशीष उन्हां दी आ तो जे नहीं आ तो फिर पहली भी जाएगी अगे आने वाले का तो वह जाता आप नहीं जाते। आमीन। डिस्प्ले अपनी साइड वालू घुमाला नीचे वाली नहीं बैठ नीचे वाल घुमाला सही आ रही ना मेरी फोटो ओके हुण की लिखिया आंदा जीभ भी एक अग है जिहड़ी साडे अंगां विच कधर्म की दुनिया जीभ है जिहड़ी सारी देही नूं दाग की करदी। हुण मेरे जीजो वेखो वचन च मेल मिलाप की सेवकाई दी कि मेल मिलाप करो और 5 भजन सहता सॉरी जो 5 मत्ती 9 पढ़ते हैं उत्थे की लिखा तन वह जिहड़े मेल किए वह परमेश्वर के पुत्र की करनगे। ठीक है वेरी गुड। हुण इह जगह ते वेखो लिखे ते पव चक्कर नूं अग ला दिंदी आ अते आप नरक की अग नाल की आ पल उठती आ पव चक्कर नूं अग लाउंदी ते आप नरकां च पल उठती आ ते कुधर्म लोग कुधर्म पाप दा जिहड़ा हथियार ओह जीभ जे जिन्ने लोग सुणदे। हुण इक चीज़ तुसीं हमेशा नोट करो इहनूं नोट करना जिहड़ा बंदा तुहाडे नाल किसे बंदे की चुगली करन डिया ना ते ताड़ी क्यों ना दूजे ना करता होएगा समय लगी थोड़ी बुद्धि नूं शार्प करना जिहड़ा बंदा तुहानूं किसे दी चुगली दसण डिया ओह ते फलाण है ओह ते ढीं गिया ओह ते इदां पहले तुहाडे नाल करेगा फिर ताड़ी चुक के ओह बंदे नाल करेगा। जे तुहानूं दूजे बंदे दी गल सिखा रहा ओह ताड़ी भी करेगा क्योंकि आदत हुंदी कईआं नूं चुगली तो नहीं रह सकदे। ताई प्रभु ने कहा एक धर्म लोग जीव आ जिहड़ी पाप की लिखा इस साडे अंगा विचों कधर्म की दुनिया जीव आ जिहड़ी सारी देही नूं दाग ला दिंदी आ ते पव चक्कर की अग नाल किए पव चक्कर नूं अग ला दिंदी आ आप नरकां की अग विच बल किए की करदी है बल उठदी कि नहीं। हुण किन्ने लोकां नूं समझ लगी है बल उठदी कि नहीं भाई। हुण तुहानूं इह समझ आ कि अज्ज दा जिहड़ा मैसेज आ कि मैं अपनी जीभ तो बुरा नहीं बोलना मैं किसी नाल झगड़ा नहीं करना मैं अपने चर्च की उन्नती वधाउणी आ मैं अपने भैन भरावां नूं मनाउणा वा मैं जे बुरा बोलिया तो मैं जाके उन्हां कोल सॉरी माफ़ी मंगनी है। तू ये ना सोचो भी पास्टर नहीं गलत हो सकता पास्टर भी गलत हो सकता असीं भी गलत हाँ पर यह वचन द्वारा आप एक दूजे नूं माफ़ करना वा। आमीन। किन्ने लोकां नूं समझ लग गई है
करना फिर जीभ तो गड़बड़ क्यों भैन भरा हो? मैं कह भी जीभ तो फिर गड़बड़ गड़बड़ करांगे आप जीभ तो भैन भरा हो कि माफ करांगे। जे जीभ तो बुरा बोलोगे तो फिर वेख लो प्रभु ने कहा अग लाने वाली जीभ आ कि घर चुगली नहीं करनी कि नौ की गल नहीं करनी। कोई चर्च का मैंबर जिदा का भी अजे तेरे गल करता तो वो अंदर कर आप अपने दसों यहोजी जिंदगी वेखी मेरे डैडी की जिंदगी उन्होंने हजारा ही लोग गल दसते पर उन्हें कभी इधर सुन के इधर के गल नहीं की। ए जो मैं लोग वेखे गल कर भी जाएंगे बाद मुकर जाएंगे नहीं नहीं मैं तो की नहीं मैं तो क्या ही नहीं तू कर ही ना जो मुकर गया तो फिर हूँ सामने आदू आ नहीं मुकर जाना उस वे करो ही ना प्रभु थोड़ी कहता तुम कि चुगली करो कि लोगों को समझ आ रही है हम लड़ाई झगड़ा करना कि नहीं करना भी है करना क्यों जी करना कि नहीं करना। हालेलुया जिन्हें भी मेरे भैन भरा बैठे आज पहला टॉपिक अपनी जीभ के नाल किसी को मार देखो उससे मुँह ना तुम धन्यवाद 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 कर दे उस नाल ही फिर तुम बुरा बोलना शुरू कर दे। ये गलत आ इस गल च प्रभु नहीं है ये शैतान कुछ जे नकम्मा जे की लिखा आंदा क्योंकि जंगली जीव अते पंछी घरीसण वाले अते जल जंतु अते हरेक जात मनुख जात दे वस विच कीती जांदी सगो कीती भी गई है पर जीव नू कोई मनुख वस विच नहीं कर सकता वह एक चंचल बलाक है वह नाश करने वाली विश नाल भरी की है कि क्या लिखा जंगली जानवर घरीसण वाले जानवर किन्ने तरह की जात वह मनुख के वस च की पर मनुख अपनी जीव न कभी भी वस में कई हूँ जिन तर गल कर ना दी उन तेना नींद नहीं आनी उन्होंने साड़ी भैन एक चर्च इदा दी है बड़ी बार उन्होंने मैं डांटता समझाया भी है पर उन्होंने नहीं लगती अच्छा नहीं है ये मैं कल सही गल गर्मी कहता मैं क्या भैन तू हाडे चर्च ना बड़ी आ मैं तेरे अगे मैं हाथ जोड़दा क्योंकि बाइबल दे विच लिखा आंदा जे तेरी अख ठोकर कमाती तो उन्हूं की कर दे कट दे बाकी शरीर की हो जाएगा बाकी तो चर्च बजे एक हट जू तो कुछ नहीं हुंदा मर नहीं चले एक ना आएगा दे सुधार तो आ जाएगा ना साडे चर्च दे विच आंदा जे तेरा हाथ ठोकर कमाउंदा उन्हूं कट बाकी शरीर की हो जाए पर वह भैन जब तक गल नहीं ना कर लेंदी उन्हूं नींद नहीं होनी हर बंदे दी उन्हें गल करनी है इधर दे चर्च दी गल्लां सुन के उधर उधर दी गल्लां सुन के इधर यह की गल सही है। हुण जदों तुसीं सुलेमान दी कहावतां पढ़दे मूर्ख दीआं चालां उहदे विच इक वर्ड दित्ता वा वह पढ़ांगे पहले फिर आपां इस जगह ते चलांगे। मेरे भैन भरा मैं तुहानूं तां ही कहिंदा कि कल्ले चर्च नहीं आउणा तलीम सिखो तलीम तलीम वाले बणो जे तुहाडे अंदर तलीम होएगी ना तो तुहानूं पता सहेलियां कहिड़ियां बणाउणियां तलीम होएगी तुहानूं पता मैं किहो जिहे रिश्तेदार रखणे आ है तो जो खुद गलत काम करन दिया तो उन्हें भी तुहानूं ओह राय देनी तू भी इह काम कर बस अच्छे लोगों की पहचान यही है वो बाइबल तो बिना दूजी गल नहीं करनी। सब खोलो सुलेमान की कहावत हुण वेखो किन्नी वार आपां वचन सुनिया कि सत्त गल्लां तों प्रभु नफरत करदा जिहड़ी उहदे जी नूं घनौणियां लगदियां पर आपां सुणियां तां आपां फिर नहीं अमल करदे। सुलेमान दी कहावतां उहदा 6 उहदी 16 ऐ तों मैं शुरू करांगा लिखिया 6 वस्तां नाल यहावा वैर रखदा है सगों 7 हन जिहड़ियां उहदे जी नूं घनौणियां की है मतलब जिहड़ी उहदी घनौणी विच पूरी प्रभु इहनां नूं बुरा समझदा। पहली गल कहिड़ी आ उच्चियां अखां जड़ा उच्ची अख करके कमांड च गल करता ये प्रभु उन्हों तो नफरत करता जी जड़ा आप के गरीब नू कुछ नहीं समझते ये की आ है पहले नंबर से प्रभु कहता उच्ची अखा झूठी जीव जेडे जीव तो झूठ की करते इन्हों तो भी रब नफरत करता जी बेदोशे का खून करने वाले हाथ अज कि लोग है बेदोशे उन्हें पता नहीं उसका कोई दोष नहीं उन्होंने मार देंगे उन्होंने फसा देंगे अगे की लिखा आंदा वो मन जिहड़ा खोटियां जुगतां करदा खोटियां जुगतां एंटीट्यूड खोटियां जुगतां झूठ बोलना खोटी इधर उधर जाके अपने नंबर की करने समझ आ रही वो मन जिहड़ा खोटियां की करदा
खोटियां जुगता करता। इस करके जी जो वेखो जो भी सुनना तुहानू पता जो बाइबल दे विच लिखिया तुहानू उहदे अकॉर्डिंग ही चलना पैना। अज कल्ले चर्च आन के तुसीं गल्लां नू नोट नहीं लिखते जाओ घर जाके इहनू पढ़ना दी की लिखिया ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀਆਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚਾਰਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੇਕੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫਲਾਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਮੀਰ ਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੀਰ ਆ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ठीक है। इस करके सानू ये गल ना कोई मतलब नहीं की लिखिया आंदा वह मन जिहड़ा खोटी जुगता करता वह पैर जिहड़े बुराई करन फुरती करदे। अज वेखो जो लड़ाई झगड़ा तां मुंडे किड्डी छेती गड्डियां फड़दे तवा तव फड़ के दातर फलान टिंग आउन तव तव आंदा वह पैर जिहड़े बुरा करन फुरती किए करदे ते मैं ना चुगली भी जो दसन जाते भज गए कोई भी एक बुरा वो ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚੱਕ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਨੌਣਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਈ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। असी हुण जा के चर्च विच ये गल्लां भी सिखियां पर चले फिर नहीं डीकन ने प्रभु तुसी किसे दे घर नूं अग ला के तुहाडा अपना घर कितां बजेगा। बाइबल च लिखा जिहड़ा टोया पुटदा उहदे विच आप ही की करेगा डिगेगा। हैं आंदा जिहड़ा कंध ढाएगा सप उहनूं की करेगा डसेगा। जैसे को सिद्धी जी गल सिंपल जी गल जे माड़ा भी चिंडे आ अगे भी तो माड़ा ही आउणा जे भला करने विधवा की मदद करने किसी सुसमाचार दे रहे हैं अपने चर्च को सपोर्ट कर रहे हैं अपने चर्च बारे लोगों को दस रहे हैं करैक्टर अच्छा वा तो ताड़ी भी जितया प्रभु की जितया तो ताड़े चर्च चुनती वधेगी। तो जो चार जी है तो भी कुड़ कुड़ के कुकड़ा वगू लड़न रहे हैं तो समझ लो भी शैतान ताड़े अंदर च एंट्री कर चुका वा शैतान की एंट्री हो चुकी है क्योंकि शैतान शुरू तो तुहानू कई बार पढ़ तुसी प्रकाश की पोथी नू पढ़ो लिखिया भाइयों विच झगड़ा पाउंदा सी किन्ने लोगों ने भरिया प्रकाशित वाकया आंदा भरावां विच झगड़ा पाउंदा और स्वर्ग दे विच जिहड़े स्वर्गदूत उहनां ते इल्जाम लाउंदा सी लिखिया जदों शैतान थले डिगा मिकाइल दूत दे जदों झगड़ा आ ते उहनां कहा आंदा शुक्र आ साडे भाइयां च झगड़ा पाउण वाला धरती ते की हो गया डिग गया। उहनां कहा हाए हाए धरती ते क्योंकि शैतान धरती ते उतर की ए आया। भैण भरा कोई नहीं माड़ा मैं किसी भैन भरा के वचन नहीं लाता पर ही वचन शैतान ली आ कि दुष्ट जिहड़ा वा साडे भैन भरावां दे मनां नूं छड्ड के इस वचन द्वारा चलिया की है। इको प्यो दे बच्चे इको चर्च दे मैंबर आ तां आपां तू तू मैं तू तू मैं होंदी की आ इह गलत गल है। इस करके अज जीभ दे कारे सिक्के की लास्ट वाला की ही की कहिंदा कहिंदा झूठा गवाह जिहड़ा झूठ मारदा अते जिहड़ा भाइयां च झगड़ा की है हैं इन इन सालों की बनी होंगी जारी होंगी पर जाके चुगली मारते हैं तो सारी डंड ला के सुट देने अगले दिन चर्च की है योजे मैं चर्च च मैंबर वेखे जेडे कि ताइद देंदे कि टाइट देने वाले उन्होंने उंगल दे के भजा दिता ताइद ना दे तू ताइद कद ली देना बंदा पुछे तेरे प्यो का इतने पखे चल दे बिल किने देना जे असी ताइद ही नहीं देवे तो बिल कितों होना मैं कोई नौकरी थोड़ी करने क्योंकि मैं फुल टाइम सेवा करदा तो फुल टाइम का मतलब हुण वेखो जदों करंथियां 9:14 पढ़ते उत्थे लिखे जिहड़ा खुशखबरी सुनाउंदा उहने गजारा भी उहदे सिर तों की है फिर वचन ते लीक मार दिए हर गल पुत बाइबल च लिखी तुहाडे सिर दे वालां तों लै के ते पैर दे 9 तक लिखी आ तां ही मैं कहिंदा एवें किते मगर ना लग्गिया करो जे रोटी मिलदी आ ना ते चुप करके खाई जाओ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਆਂਦਾ ਉੱਚੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ
है तो जे तुम वचन को कट के वह वचन बाद च पढ़ा पहले मैंने गाला चार कट लैन मैंने इन्हें गाला क्डिया तो समझ लो फिर वचन तो पढ़ने की लड़ ही नहीं। तीसरा हुक्म की व्यर्थ ता सारा कुछ की है ता दान व्यर्थ है ताकि बैबल व्यर्थ है जो तुम उत्ते अमल नहीं करते व्यर्थ है। लास्ट वाला की ही झूठा गवाह जिहड़ा झूठ मारदा अते भाइयां विच झगड़ा की करता हुण किन्ने लोकां नूं समझ आई भाई इधर भैणो अज भाई नहीं है भैणा वा समझ आई सारे नूं समझ लगी। सत गल्लां लिखो नंबर एक उच्ची अख घमंड नहीं करना अपने आप नूं नीवा रखना। दूजी झूठी जीव अपनी जीव तो कभी भी झूठ नहीं मारना भावें करोड़ों का घाटा पै जाए पै जू तो पै जाए झूठ नहीं मारना। तीसरा जिहड़ा बेदोशे का खून करने वाले हाथ। चौथा लिखा वो मन जिहड़ा खोटियां जुगतां करता मतलब कि लखां करोड़ां दीआं गल्लां दसदा झूठ मारना सहेलियां च जाके अपना टौर बनाउणा नहीं। लिखा वो पैर जिहड़े बुराई कर ली फुरती करदे आ ये भी रोकने कभी भी किसी का बुरा नहीं करना इन्हां पैरां नूं हमेशा गवाही लई इस्तेमाल करना इन्हां पैरां नूं सिर्फ परमेश्वर के कम्मां लई इस्तेमाल करना। लिखा झूठा गवाह जिहड़ा झूठ मारदा ते जिहड़ा भाइयां च झगड़ा की है इन्हां तों प्रभु की करदा जी जो नफरत करदा कि प्यार करदा नफरत करदा वेरी बिल्कुल सटिया। हुण अगे की लिखिया आंदा पर जीव नूं कोई मनुख वस विच नहीं रख सकदा वह एक चंचल बुलाव आ वह नाश करन वाली विश नाल भरी हुई है। हुण सुनो अज किन्ने लोग है जिहड़े प्रभु दे बनाए हुए नूं फटकारदे आ उस मूँह चो फटकार निकलती है तो उस मूँह चो आप धन्यवाद किए पर वेखो पतरस की कहता जकूब की कहता कहता उस नाल असी प्रभु अते पिता नूं मुबारक आखते हाँ अते उस नाल मनुखा नूं जिहड़े परमेश्वर के सरूप से बनाए गए हैं फटकार देंदे हाँ। हुण तुहानूं ते मैनूं किन्ने बनाया ये शकल किहदी आ बोलो परमेश्वर भी साडे जिदा साडा मूँह आ ना वह भी इदा का ही आदा का ताडा मेरा तो अज क्यों लोग ये भुल जाते फिर घाट कड़ी चीज की आ वचन की लिखिया उस दे नाल असी पिता नूं मुबारक आखते हैं अते उस दे नाल मनुखा नूं जिहड़े परमेश्वर के सरूप से बनाए हैं फटकार देंदे हाँ। हुण अगे की कहिंदा पत्र अपना जकूब आंदा एक मूँह विच बरकत अते एक चो फटकार निकलती है हे मेरे भराओ ये गल्लां ऐओ नहीं होणियां आंदा भराओ इदां नहीं होणियां चाहीदियां कि इदां होणियां चाहीदियां तुसीं बोलो इदां होणियां चाहीदियां क्यों भैणे रिंदरा चप्पे निकलदे कि नहीं कन्नां दे आ सच्चाई इहनूं जाणो ये मेरे लिए भी आज ये चर्च जाते कोई कहता मैं एड्डी दूर जाना मैं ना तू जिते मर्जी जा बहुत जा तक इतने नहीं ना आएगा ये वचन तो नहीं चलेगा तो तेरा दूर दूर ही रह जाना। मत्ती 18 की बीच की लिखा प्रभु ने कहा जिते दो जा तीन मेरे नाच कटन के उत्ते मैं की है खुदा हाजिर कितने आ दूर का मतबल नहीं इलाके का मतबल नहीं मतबल है कि बाइबल के कड़े शब्द से चल रहे हैं उन्हें दूर इलाके की गल नहीं की इस करके हर एक चीज़ नूं समझना की लिखा आंदा सो भला सोमे दे एक मूँह तो कदी मिठा कदी खारा पानी निकलता किन्ने दे घरां च टूटियां सारे दे घरां च कदी मोटर च सवेरे मिठा पानी आवे दुपहरे नमकीन आवे शामां नूं होर आवे कदी इदां दा पानी आउंदा हालेलुया पर साडे भरा सारा कढ़दे जे पानी हर प्रकार का पानी कढ़णगे पहले धन्नवाद 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 वो तेरी भैन नूं फलान ढींग मारिया तेरी नूं हुण बंदा पुछे इह की करन डिया छिंदे नूं गाल कढ़न की बड़ी आदत होंदी इहनें हर गल ना मामा कहना मामा यह मैं छिंदिया जदों गाल कढ़ां उत्ते थप्पड़ अपने मूँह ते आपे मारना ही पुछ लो भैन बेटी कोमल वह गाल कढ़ के उहने हर गल फलानी गल मामा ढींगणी गल मामा आ साडे बंदे भी जो तैयारी करते ना इन्हें एक दूजे नूं मामा कहना मैनूं पता लगा भी ये लड़ते है जो तैयारी करते मैं अच्छा उस दिन मैं गया तो मैं अज साला बनवाइया मामा नहीं किसी बना तुम दादा अज पुत मैं इत्थे ही रे उस दिन चुप गुम लवान जवान क्योंकि वेखो भावें सेवादार है भावें जिहड़ा मर्जी आ जद तक वो अंदर वचन नहीं आ मामा बनेवा बनावेगा हर एक नूं
हुण इत्थे वी कोई वचन की कह रहा कहिंदा भला सोमे दे विच भला सोमे दे एक मूँह तो कदे मिठा जां खारा पानी निकलदा नहीं निकलता। अज आप दो तरह का पानी कटते हैं कट दे नहीं बस फिर अज का मैसेज याद रखना अपने बुद्धि च रख लो। एक वचन मैं तुहाडे लई होर पढ़ांगा दो ऐतां ही पढ़ांगा लड़ाइया झगड़े वाले लिए 16 और 17 जे कहते तुसीं पढ़ दो मैं हुण सुणांगा क्योंकि मैं बोल बोल के मेरा मूँह सुकण डिया वी पानी पानी की लोड़ पै रही है। हाँ जी जकूब 3:16-17 पहले 16 नूं पढ़ांगे नहीं नहीं मैं तो आना इनू 13 तो पढ़ लिए 13 बहुत वधी। अज दो प्रकार की बुद्धि वेने अज दो प्रकार की बुद्धि आ एक संसारी आ एक उपरली आ अज दो बुद्धि चेक करांगे कट लिया। हाँ तुहाडे विच बुद्धवान अते सियाणा केड़ा है ओ शुभ चाल तो बुद्ध दी नरमाई नाल अपने कर्म विखावे। हालेलुया समझ आई। जकूब कहिंदा तुहाडे विचों बुद्धवान ते सियाणा केड़ा भई शुभ कर्म अपने चंगे चाल चलन दे नाल बुद्धि दी नरमाई मतलब नंबर धीरज वाला ते अपने कर्म की करे। नंबर एक प्रभु दा दास कहिंदा तुहाडे च बुद्धवान केड़ा ते सियाणा केड़ा शुभ कर्म मतलब शुभ कर्म चाल दा मतलब तुहाडे चंगे काम। अगली साइड ते की लिखदा आंदा नरमाई नरमाई दा मतलब नंबर धीरा धीरज धीरज वा इहनू जो मर्जी बोली जो अगो बोलदा ही इह नंबर लिखिआ अपने कर्म की करे विखावे। हुण इत्थे वी कहिंदा तुहाडे च बुद्धवान हुण जिहड़ा बंदा चुगली करन डिआ जिहड़ा बंदा लड़ाई करन डिआ तो किन्ना कोई बुद्धवान आ उह बुद्धवान नहीं आ प्रभु तुहानूं बुद्धवान बनाउणा चाहुंदा। हाँ जी हाँ जी पर जे तुसीं अपने दिल विच तिखी अनक अते तरेबाजी करदे हो। पास्टर पाल जी क्या कह रहा है वचन की कहिंदा हाँ जी तां सच्चाई दे विरुद्ध ना घमंड करो। आंदा जे तुसीं अपने दिल विच तिखी अनक अते तरेबाजी करदे हो तां सच्चाई दे विरुद्ध घमंड ना करो ते झूठ की आ ना मारो। हुण इहदा मतलब की आ आंदा जे तुसीं पर जे तुसीं अपने दिल विच तिखी अनक ते तड़ेबाजी तड़ेबाजी